ओम शांति। अभी हम सभी इस शीतल वातावरण में बाबा के इंतजार में अभी भाई साहब हमको फिर से पुनः सूक्ष्म लोक की सैर कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जैसे कहते हैं इंतजार के लिए हम सभी बैठे हैं। तो अभी भाई साहब हमारे सामने हैं। कई तूफान आए होंगे आपको भी इन राहों में, लेकिन हर तूफान में उठा लेते होंगे बाबा आपको भी अपनी बाहों में, क्योंकि आप तो पहले से ही बसे थे प्रभु की निगाहों में। तभी तो आपका सम्मान आज है जन जन की निगाहों में। एक हाथ की ताली से भाई साहब का अपना सम्मान करेंगे। ओम शांति। बाबा के महावाक्य, मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी वही हैं जो श्रेष्ठ योगी हैं, और भी जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वही मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। है कोई 8 घंटे योग लगाने का लक्ष्य ले सकते हैं? ले सकते हैं जो 8 घंटे योग लगाए, बेहतर नहीं? बोलो कौन कौन करेंगे? सब नहीं, सबसे नहीं होगा। और हमें ये नहीं जानना चाहिए जब तक हमारा योग 4 घंटे ना हो कोई भी आत्मा इस संसार में माया जीत नहीं बन सकती। माया को जीतने के लिए 4 घंटे योग और शेष 4 घंटे विकर्म विनाश करने के लिए, ऐसा बांट लें। अगर हमारा लक्ष्य हो तो चलते चलते 8 घंटे स्मृति स्वरूप रह सकते हैं। जो केवल बैठकर मन को एकाग्र करना ही नहीं है, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। स्मृति है आपको इजोरासी का खेल पूरा हुआ, अब मुझे घर वापिस चलना है, योग हो गया। इसको रटने की जरूरत नहीं, केवल फीलिंग है। आपको स्मृति है सत्युग प्रेत का युग में हमने 2 युग तक देव स्वरूप में जीवन बिताए, योग हो गया। किसी भी स्वमान में हम स्थित हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो सब योग हो गया। भोजन बनाते हुए अगर आपको 2 टाइम भी भोजन बनाना है और 2-3 घंटे लगते हैं उसमें आप अभ्यास कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो ये योग हो गया। और भी सरल बात, चलते फिरते कर्म करते यदि हम ये याद रखते हैं बाबा मेरे साथ है, ये भी योग हो गया है। क्लियर है? यदि हम केवल ये अभ्यास करते हैं मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है, ये भी योग हो गया। अब बोलो 8 घंटे का लक्ष्य कौन बना सकते हैं? सब संख्या बढ़ गई, ठीक है। ये स्मृति है, केवल अटेंशन की बात है। सबसे पहले सवेरे उठकर हमारा योग सुंदर होना चाहिए,
कल हमने आपको एक संकल्प दिया था, उठो तो, उठो तो मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए उठेंगे, योग शुरू हो गया। ये बहुत जरूरी होता है कि हम सवेरे सुंदर संकल्प करें तो कल का प्रभाव, रात का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, बीमारी का प्रभाव, व्यर्थ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस अच्छी तरह धारण कर ले आप। सवेरे उठकर जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे उतना ही व्यर्थ से मुक्त रहे। इसलिए केवल योग नहीं, श्रेष्ठ संकल्प भी, ठीक है। जब आत्मा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाती है तो ये उसकी संपूर्णता कहलाती है। जब आत्मा बहुत से संकल्पों में रहने लगती है ये उसकी संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। तो सभी ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, थोड़ी अगर कम करें बोझे। तो अब हम एक बार और करके फिर अभ्यास करेंगे, पर ऐसा अभ्यास करेंगे कि यहां से चारों ओर शांति की किरणें फैलने लगे। जब हम योग करते हैं तो हम याद रहे योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस से क्या होता है बोलो, चारों ओर प्रकाश फैलता है। चलो बस वही लेके थोड़ा कर लो, हमसे भी चलते फिरते प्रकाश चलता है। देखो क्या क्या होगा यदि आप बहुत सुंदर योग चलते फिरते करने लगे। आप घूम रहे, मान लो ये लोन है, इसमें आप घूम रहे हैं, हवा आपसे स्पर्श करके बह रही है, तो हवा आपके पवित्र वाइब्रेशंस को लेकर बहने लगेगी। और हवा कहाँ कहाँ पहुंचेगी, सारे संसार में। ये पवित्र वाइब्रेशन हवा के माध्यम से विश्व में फैलने लगे। आप युक्त होकर चल रहे हो, आपके कदमों से पवित्र किरणें धरती में समाने लगे। तो प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होती है योग युक्त रहने से। केवल एक बार मौका मिलता है योगी बनने का, बाकी कभी नहीं। द्वापर युग से बहुत योगी हुए संसार में, पर किसी का भी नाता सेवा से नहीं था। एक बार मौका मिला है उसे मेरा कहने का, ये वजह ना, ये मेरा बाबा केवल कहने के लिए है या सचमुच वो मेरा है। गीता बहन ने आपको ये क्लास करा दी है, वो मेरा है। जैसे आपको अपने अपनों को देखकर कैसी फीलिंग होती है, अपनों को देखकर, परायों को देखकर, अपनों को देखकर, दोनों में अंतर हम सब जानते हैं। पराया व्यक्ति कितना भी हम उसको प्यार करते हो, लेकिन अपनों की बात अपनी है। बाबा से भी अपना पन होने लगे, वो मेरा है। तो योगी चलते फिरते लाइट हाउस है। बाबा की मुरली ने आप सबने सुना होगा, जब तुम ऐश्वर्यी होने का अभ्यास करते हो तो सारे संसार में शांति की किरणें फैलती हैं।
और जब तुम सुदर्शन चक्रधारी होते हो तो चारों ओर क्या कहते थे ना, खुशी की किरण सुख फैलता है। ये रहस्य हैं जो स्वयं बाबा ने ही सिखाए हैं। तो हमसे एक बात और सुनेंगे, जितने कम संकल्प हमारे मन में चलेंगे, कम, उतनी ही पावरफुल किरणें हमसे संसार में फैलेंगे। सब ये सिद्धांत याद रखें। इस समय मनुष्य के मन में हर मिनट में 25-30 संकल्प उठते हैं, किसी के संकल्प ये 40 तक पहुंच जाते हैं एक मिनट में। हमें इसे धीमा करना है, 25 से 20 से 15 से 10। सतयुग में जब हम थे तो हमारे मन में 8-10 संकल्प प्रति मिनट उठते थे। अगर एक योगी आत्मा इस समय अपने मन को यहां ले आए कि हर मिनट 8-10 संकल्प उठ रहे, चलते फिरते काम करते, घरों में रहते, तो वो महान योगी बन जाते हैं और उनके द्वारा इस संसार का बहुत कल्याण होता है। चले अब हम सभी सारे संसार में पवित्रता की किरणें फैलाएंगे और विशेष रूप से सब याद रखेंगे, प्रकृति को हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की बहुत प्यार है, उन वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करती है, क्योंकि पवित्र वाइब्रेशन से ही प्रकृति सबको प्रदान करती है। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। आत्मा चमक रही है मस्तक में और शरीर है लाइट का, अलग अलग देखी दोनों को। और मेरे अंग अंग से चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही है। मैं हूँ लाइट हाउस, वाइट हाउस का हिस्सा। मैं प्रकृति का साथ
अब उनकी ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी ग्रहण कर रहे हैं। संसार को सकाश देना ये सबसे बड़ा पुण्य है, जिसके जीवन में बहुत विघ्न आते हों, वे 10 मिनट रोज संसार को सकाश देने लगे, वाइब्रेशन देने लगे, इस पुण्य से पाप हल्के हो जाएंगे, विघ्न हट जाएंगे। कई तरीके हैं सकाश देने के, 2 तरीके अब हम अपनाएंगे। इससे पहले कोई ये बात और सबके ख्यालों में हो, बाबा ने हम सभी के संकल्पों को, स्मृतियों को बहुत महान बनाया है और कहा तुम सभी पूर्वज हो, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की पूरे कल्प वृक्ष की पालना होती है। तो ध्यान दे, जड़ों के द्वारा भोजन पानी जाता है, हमारे द्वारा सृष्टि को शक्तियां, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शुभ भावनाएं सब पहुंचते हैं। सबके हमारी स्थिति केवल हमारे लिए नहीं, संसार के लिए वरदान है। अगर हम बहुत खुशी में रहते हैं तो खुशी की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में रहती हैं। यदि हम बहुत पवित्र हो गए हैं तो पवित्रता का प्रकाश सारे धर्मों की आत्माओं तक पहुंचता है। यदि हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं तो सभी आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशन मिलते हैं, बल मिलता रहता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको करने का सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? सबको पता है, इससे बड़ा काम चारों युगों में कभी नहीं कोई जानता न पड़ता। इसलिए राधा ने कहा तुम पूर्वज हो। दूसरी बात भी ध्यान से सुन लेंगे, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल
संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका पद भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। अब हम दो तरह से योग अभ्यास करेंगे। पूर्वज बनकर पहला ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, ग्लोब माना धरती का गोला, जैसे श्री कृष्ण बैठे हैं ना धरती के गोले पे, हम तो धरती पर वैसे बैठे हैं। अब चित्र बनाएंगे मैं धरती के गोले के ऊपर से, ग्लोब कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा मैं ग्लोब ही बोलूंगा, और सभी ग्लोब पर बैठेंगे। ग्लोब पर बैठने का अर्थ है हम ग्लोब के मालिक, संसार के मालिक, सिवा सिर के ऊपर छत्र छाया, परमधाम से नीचे आकर बाबा इधर आ गए, छत्र बन गए, किरण ऐसे फैल रहे, दूर तक फैल रहे, नीचे फैल रहे, उनकी किरणें मुझ में भी समा रही हैं, सारे संसार संकल्प करते हैं, मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूं, इन शक्तियों की किरणों से सभी के दुख समाप्त हो जाए, संसार का हर प्राणी सुखी हो जाए, उनके विघ्न नष्ट हो जाए। दूसरा अभ्यास ये कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष है, जड़ ऊपर बीज के ऊपर नीचे फैला हुआ है, हम प्रैक्टिस करेंगे मैं हरिष्ठा, मैं पूर्वज, ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, बैठेंगे संकल्प करेंगे बाबा की किरणें मुझ में समाकर नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। चले सभी बैठे ग्लोब के ऊपर, चित्र बनाए अपना अपना बिल्कुल अकेले, मैं पूर्वज, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर दुख करता सुख करता हूं, विघ्न विनाशक हूं, Lighthouse, my house song. Sarva Shaktivan, Shivala. Param Dham se niche utar rahe hain. अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं, आगे मेरे सिर के ऊपर छत्र छत्र है,
बाबा की शक्तियां सारे संसार में कर रही सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाए। सभी सुखी हो जाए। सबके विघ्न नष्ट हो। ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पूर्वज हूं। परिधान से बाबा की पवित्र किरणें उस पर पड़ रही हैं। में समाकर नीचे फैल रही है, सभी धर्मों को जा रही है। कल्प वृक्ष की एक एक शाखा एक एक पत्ते तक पहुंच रही है। योगी बनने के लिए योग के चार पिलर्स हैं। एक तो वो पिलर हैं जो चित्रों में दिखाए हैं, वो शुरुआत में योग शुरू कर